पंच परमेश्वर का आदेश जो कि शिरोधार होता है, शिव महापुराण के अंतर्गत आप अच्छी अच्छी कथाएं सुन रहे थे। किसी बात को ध्यान में रखते हुए बड़ी अच्छी रचना आपके सामने सुनाने जा रहे हैं। देखिए क्या कहना है। भैया पहले एक बात आप सुन लीजिए कि जीवन में कभी अभिमान मत करना। कथाएं जीवन पर आधारित रहती है। जीवन में कभी अभिमान मत करना और जिसने अभिमान किया है उसका अभिमान चूर चूर हुआ है। लाख मिटा हो। समय की है, बड़े जानकार लोग बैठे। एक समय भगवान भोलेनाथ के परम भक्त दशकंदर रावण को अभिमान हो जाता है, तो दोनों पर अजमाया जाए और कैलाश पर्वत पर पहुंच जाते हैं। शिवपुराण के अंतर्गत आप कथा सुनने जा रहे हैं। कैलाश पर आज दशकंदर रावण पहुंच जाते हैं और कैलाश पर्वत को उठाने लगते हैं। आगे देखिए कथा में क्या होता है। आज रावण कैलाश पर्वत पर पहुंच जाते हैं और शिव महिमा से अनजान कैलाश पर्वत उठाने लगते हैं। क्या होता है देखिए। Yeah.
खुशबू भैया दयाल जी रायपुर वालों की तरफ से एक सौ एक रुपए की राशि मंडल आशीर्वाद की कामना करता है। मन में विचार करने लगते हैं भैया एक एक शब्द समझ आना चाहिए साफ साफ। कथा सुनने बैठे हैं यहाँ पर, कथा सुनने बैठे जो बंधु आए हुए हैं श्रोतागण हमारे आदरणीय सम्मानीय कथा सुनने बैठे हैं, शब्दों पर ध्यान चाहूंगा। ये रावण मन में सोचे रे अपन लहू अजमा, रावण मन में सोचे पन लहू अजमा। क्या होता है Yeah!
देखिए क्या होता है। अंगूठे को कैलाश पर्वत पर रखते हैं क्या होता है, जानी मानी करना है भैया। मंडल का दो मिनट समय से प्रसन्न हो जाते हैं। रावण से कहते हैं, रावण मांग क्या बार मांगना, क्योंकि भगवान भोलेनाथ भैया हमारे वरदानी भोले भाले हैं।
पर आज दसकंदर के सारे मान गिरा देते हैं, अभी मन चूर चूर कर देते, क्या होता है? ये जो गूंज रहे जयकारे ये सुन लो